जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के कोर्स में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 ओरेकल आर्किटेक्चर। प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं ओरेकल के फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें हम तीन तरह के कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं ओरेकल के फिजिकल कंपोनेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा कंट्रोल फाइल्स क्या होती हैं, इसके बाद हमने पढ़ा डेटा फाइल्स क्या होती हैं, और थर्ड पे हमने डिस्कस किया कंप्लीट डिटेल में रीडो लॉग फाइल्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है जी इंस्टेंस मेमोरी एंड प्रोसेसेस। इंस्टेंसेस जो हैं वो क्या हैं और किस तरह से एक मेमोरी के अंदर इंस्टेंस क्रिएट होती है, इस लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखेंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी इंस्टेंस मेमोरी एंड प्रोसेसेस के बारे में। फर्स्ट पे हमारे पास है जी ओरेकल इंस्टेंस कंप्राइजेज ऑफ एरिया ऑफ शेयर्ड मेमोरी एंड कलेक्शन ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेसेस। अब हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी डेटाबेस इनिशियलाइजेशन होती है तो उसका एक इंस्टेंस बनता है। अब इंस्टेंस बेसिकली क्या होता है, जब भी हम ओरेकल डेटाबेस की बात करते हैं तो बेसिकली हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट डेटाबेस, जो कि हमारा, जिसको हम कहते हैं कि हमारी हार्ड डिस्क पे जो एक्चुअल फाइल्स हमारी स्टोर हो रही हैं, और सेकंड पे हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंस को, जो कि हमारी टेम्परेरी तौर पे रैम के अंदर क्रिएट की जाती है एग्जीक्यूशन के टाइम पे। सो अब बेसिकली क्या कहता है कि ओरेकल का जो इंस्टेंस है उसमें आपके पास एक तो शेयर्ड मेमोरी है और दूसरे नंबर पे आपके पास बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। अब बेसिकली शेयर्ड मेमोरी क्या होती है, ऑल द प्रोसेसेस ऑफ एन इंस्टेंस, एक इंस्टेंस के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं शेयर द एरिया ऑफ मेमोरी, वो एक मेमोरी के एरिया को शेयर कर रहे होते हैं, कॉल्ड द सिस्टम ग्लोबल एरिया, जिसको हम कहते हैं जी SGA। अब बेसिकली ये एक ऐसा पार्ट होता है जिसको ऑल प्रोसेसेस शेयर कर रहे होते हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि कोर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने दो तरह के प्रोसेसेस की बात की थी, एक तो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस और एक आपने पढ़ा था कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो आपने पढ़ा होगा कि जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस जो हैं वो किसी पे इफ़ेक्ट नहीं करते या ना किसी से इफ़ेक्ट होते हैं, जबकि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि दूसरे प्रोसेसेस से अफेक्ट भी हो रहे होते हैं और उन पे अफेक्ट करते भी हैं। अब कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि कुछ ना कुछ रिसोर्सेज या डेटा या इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो उस शेयरिंग के लिए हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, के उस इन्वायरमेंट को या उस एरिया को एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो शेयर कर सकें। अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो शेयर्ड मेमोरी पढ़ा था, हम एक रीजन क्रिएट कर देते हैं और उस रीजन को मल्टीपल प्रोसेसेस या जितने भी प्रोसेसेस जो हैं वो आपस में रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं तो वो उसको एक्सेस कर सकते हैं या उसको शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से DBA के अंदर उस एरिया को हम कहते हैं जी SGA, सिस्टम ग्लोबल एरिया, जिसको एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो शेयर कर सकते हैं अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो इंस्टेंस है इसके अंदर होते हैं जी बैकग्राउंड प्रोसेसेस इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बेसिकली बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं ओरेकल के बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मींस के अगर डेटाबेस ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगी उसकी APIs को यूज़ करके, डेफिनेटली उसका जो भी प्रोसेस होगा। इसके बाद है जी इंटरेक्ट विद ईच अदर टू मैनेज द मेमोरी स्ट्रक्चर्स। अब प्रोसेस जो हैं वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ये आपस में भी कम्युनिकेशन करते हैं मेमोरी स्ट्रक्चर्स को मैनेज करने के लिए। अगर एक डेटाबेस का एक प्रोसेस 1 है तो जब वो किसी एरिया को रीड राइट कर रहा था तो उसी टाइम पे कोई दूसरा प्रोसेस उस एरिया को राइट नहीं कर सकेगा। थर्ड पे है जी हमारे पास मैनेज द एक्चुअल डेटाबेस ऑन डिस्क। आपके जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं, जितना भी आपका एक्चुअल डाटा है उसको डिस्क पे मैनेज करने के लिए हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि यूज़र डायरेक्टली तो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, आपको पता है डेफिनेटली वो DBMS एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उसके थ्रू जो है वो एक कमांड देते हैं और वो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है जो कि हमारी डिस्क के ऊपर डाटा को जो है वो मैनेज करता है। ये आपको ऑलरेडी बात पता है कि हम एक सॉफ्टवेयर जिसको हम DBMS कहते हैं उसके थ्रू जो है हम अपनी डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं।
ये था जी हमारे पास इंस्टेंस के रिलेटेड। इसके बाद जी हम इंस्टेंस में पढ़ते हैं SGA के बारे में, SGA की डिटेल को देखते हैं कि SGA जो है इसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब SGA के अंदर सबसे पहले है जी हमारे पास एरिया ऑफ शेयर्ड मेमोरी फॉर एन इंस्टेंस। एक शेयर्ड मेमोरी, एक मेमोरी का एक शेयर्ड एरिया जिसको मल्टीपल, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, इसके वेरियस कंपोनेंट्स से मिलकर ये SGA बनता है जिनको हम आगे डिटेल में भी इंशाल्लाह देखेंगे। ऑल द सिस्टम एंड यूजर प्रोसेसेस ऑफ एन इंस्टेंस शेयर द SGA। जैसे मैंने आपको बता दिया जितने भी सिस्टम के प्रोसेसेस हैं और जितने भी यूज़र के प्रोसेसेस हैं वो क्या शेयर कर रहे होते हैं, वो SGA को शेयर कर रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं जी शेयर्ड ग्लोबल एरिया। इसके बाद है जी हमारे पास साइज ऑफ SGA कैन बी चेंज्ड व्हाइल द ओरेकल इंस्टेंस इज रनिंग। वो कहते हैं जी SGA का जो साइज़ है वो चेंज भी किया जा सकता है, ये फिक्स्ड भी होता है और इसको चेंज भी किया जा सकता है। इसके बाद है जी ग्रैनुएल क्या है, अब हमारे पास ये एक नई टर्म है ग्रैनुएल, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द SGA। अब बेसिकली जो ग्रैनुएल है ना, अब अगर हमने SGA का साइज़ चेंज करना है तो उसमें हम ग्रैनुएल एक स्मॉलेस्ट मेमोरी का एरिया है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, लाइक हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं या उतना ही हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब अगर ग्रैनुएल, अगर आप ऐसे कह, मैं कह दूं कि ये 1 MB है तो हम 1 MB ही उसके अंदर ऐड कर सकते हैं SGA के अंदर, और 1 MB ही उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा हम इसको नहीं कर सकते। इससे छोटा कोई और यूनिट नहीं है वेरिएबल या लिमिट जिसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ग्रैनुएल बेसिकली ये मेमोरी की एक अमाउंट होती है स्मॉलेस्ट जिसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ कि एक इंस्टेंस बनी और उसका साइज़ ज़्यादा था, बाद में इतना कोई हैवीली प्रोसेस नहीं आया या कोई ऐसी क्यूरी नहीं आई जिसको ज़्यादा एक्सेस करना हो या कुछ और कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए हमें उसको हम उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। सो ज़्यादा रिक्वेस्ट हो तो हम उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं है तो हम उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास है जी ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। SGA टारगेट एक आपके पास पैरामीटर है, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है। ये हम डिफरेंट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स पीछे भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे एक हम पढ़ रहे हैं जी SGA टारगेट। ये क्या करता है, इस सेट टू ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट द मेमोरी अमंग वेरियस SGA कंपोनेंट्स। अब SGA के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनके अंदर ऑटोमेटिकली मेमोरी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका एक इनिशियलाइजेशन पैरामीटर करेगा जिसको हम कहते हैं SGA टारगेट। इसके बाद है जी हमारे पास एक डायग्राम शो की गई है ओरेकल इंस्टेंस की। अब इसमें आप देख सकते हो कि सबसे आपके पास बॉटम पे है हमारे पास डेटा फाइल्स जो कि हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद है जी कंट्रोल फाइल्स, और थर्ड पे है जी हमारे पास रीडो लॉग फाइल्स। ये ओरेकल के फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं, लाइक यहाँ पे हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। और इसके बाद है जी हमारे पास कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस की लिस्ट है, और इसके बाद आप देख सकते हो कि ये SGA, और इसके बाद ये कुछ और भी आपके पास प्रोसेसेस हैं